हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू आपके अपने चैनल नीतू जॉबिज में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करूँगी आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए अपनी एनिवर्सरी का एक और ब्लॉग लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोग से मैं बोली थी कि एक और ब्लॉग लेकर आऊँगी, तो थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरे एक मोबाइल में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से वीडियो मैं नहीं देख पा रही थी। तो अभी मोबाइल ठीक हो गया है तो अभी मैं लेकर आई हूँ। लेट होने के लिए सॉरी, बट देर आई हूँ, दुरुस्त आई हूँ। अभी और कुछ वीडियो जो पिछले मैं नहीं डाल पाई थी वो आप लोग के लिए डाल रही हूँ यहाँ पे। आई होप आप सबको ये वीडियो, हमारा ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो ये मैं रेस्टोरेंट के लिए निकल गई हूँ डिनर के लिए। पिछली वीडियो में मैं आप लोग के साथ ये शेयर की थी। अभी रात के 9 बज रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रही हूँ। अभी मैं अपने होटल से निकली हूँ। ये देखिए, मैं रेस्टोरेंट में पहुँच गई हूँ। यहाँ पे ये रेस्टोरेंट का एंट्री है। बाहर से तो देखने में रेस्टोरेंट बहुत ही मस्त लग रहा है, पूरा नेचुरल दिख रहा है, नेचुरल पूरा पेड़ पौधा भरा हुआ है। चलिए अंदर देखते हैं कैसा है अंदर से रेस्टोरेंट। आइए मेरे साथ। एंट्री तो बहुत ही मस्त लगा क्योंकि पूरा सब जगह नेचुरल दिख रहा है। जैसा कि मुझे नेचुरल प्लेसेस बहुत पसंद है, आप सबको पता ही होगा मेरी वीडियो देखकर। ओ माय गॉड, मस्त, हर जगह हरी हरियाली है, पेड़ पौधे हैं चारों तरफ। मस्त प्लेस मेरे लिए चूज किया गया है रेस्टोरेंट। थैंक यू सो मच पतिदेव। यही होता है जब कोई आपको सच्चे दिल से लाइक करता है तो आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने आप वो आपके लिए करते हैं। अभी मैं मेनू देख रही हूँ क्या क्या खाना खाना है। अभी हम लोग खाना ऑर्डर करने जा रहे हैं, देखते हैं। इनका प्लेस तो बहुत मस्त है, खाना इनका कैसा है ये देखिए। हम लोगों ने बहुत कुछ ऑर्डर किया है, कुछ मेरी पसंद के, कुछ बच्चों के पसंद के, कुछ पतिदेव के पसंद के। यहाँ पे डिनर आ गया है, हम लोग डिनर के मज़े ले रहे हैं। यहाँ के खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। सबसे पहले तो प्लेस बहुत पसंद आया क्योंकि नेचुरल प्लेस है। सेकंड, खाना भी बहुत मस्त, तो मज़ा आ गया खाना खाकर। बहुत ही मस्त प्लेस है, सब पेड़ पौधे से पूरा रेस्टोरेंट भरा हुआ है और आपको ओपन प्लेस पे ही करवाया जाता है डिनर यहाँ पे। डिनर हो गया हम लोगों का। डिनर करने के बाद थोड़ा हम लोग फोटो क्लिक करवाए रेस्टोरेंट में ही। इतने अच्छा प्लेस का कुछ तो मेमोरी हम लोग के पास रहना चाहिए था। ये देखिए, और यहाँ पे एक मेरे बच्चों को दोस्त मिल गया, कैट, बहुत प्यारी थी। इसके साथ बच्चे लोग मेरे मस्त से खेले। ये रेस्टोरेंट का मचान था। बहुत ही मस्त रेस्टोरेंट बनाए हुए हैं इन लोगों ने। हमेशा हम लोग ऐसी रेस्टोरेंट में तो हमेशा खाए हैं, बट इस तरह के ओपन और पूरा नेचुरल प्लेस से भरे हुए रेस्टोरेंट में मैं फर्स्ट टाइम डिनर की। ये रेस्टोरेंट की एक और ख़ास बात है, इस तरह से मचान यहाँ पे ये लोग बनाए हुए हैं। ऊपर में आराम से डिनर कीजिए और नीचे के नज़ारे लीजिए, मस्त था ये भी। इनका ये एंट्री है, इनका बहुत सारे फ़ोटो हम लोगों ने क्लिक करवाए हैं।
यहाँ पे फैमिली फोटोग्राफ्स डिनर करने के बाद। अभी हम लोग डिनर करके बाहर अब निकलने वाले हैं। और ये देखिए, क्योंकि हमारा जो होटल है वो सी बीच के पास ही है, तो हम लोग जब होटल के पास पहुंचने वाले थे, थोड़ी देर बैठ के सी बीच के पास थोड़े मज़े लिए। रात के 11 बज रहे हैं और फुल मून आज है, तो बहुत ही मस्त लगा यहाँ पे 11 बजे रात में बैठ के सी बीच के पास। फर्स्ट टाइम मैं इतने रात में सी बीच के पास बैठ रही हूँ, और वो भी फुल मून है उसमें, बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया। ये देखिए रात के 11 बजे के नज़ारे सी बीच के। अभी डिनर करके हम लोग पहुंच गए हैं होटल में, और बालकनी में बैठ के सी बीच के नज़ारे हम लोग ले रहे हैं। मतलब इतना अच्छा प्लेस है कि हम लोग को नींद आ ही नहीं रही है। बच्चे लोग तो खाना खा के सो गए, हम दोनों ही सिर्फ ये नज़ारे का मज़ा ले रहे हैं। बहुत ही मस्त लग रहा है, तो वर्ड से डिस्क्राइब नहीं हो सकता। एक दो लगभग बजे तक, 2 बजे तक लगभग हम लोग यहीं बालकनी में बैठे रहे। ये देखिए दूसरे दिन का मॉर्निंग व्यू। रात के 2 बजे सोई थी, बट नींद मेरी तो जैसे टाइम से खुलती है वैसे ही खुल गई, तो मैं बाहर का नज़ारा देखने आ गई। अभी सब लोग सो रहे हैं, मेरी नींद खुल गई है, तो मैं बाहर के नज़ारे की देख रही हूँ। ये देखिए मॉर्निंग व्यू मेरे होटल से सी बीच का। बहुत ही मस्त रहा ये एनिवर्सरी, यादगार रहेगा मेरा ये एनिवर्सरी। बहुत टाइम के बाद इस तरह से मैं सेलिब्रेट की हूँ मैंने अपना एनिवर्सरी, नहीं तो पिछले 2-3 साल से तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जा रहा था। देखिए मेरा छुटकू भी मेरा कंपनी देने के लिए उठ गया है, इसे भी ये सब सीन देखने में बहुत मज़ा आता है। इसे भी नींद नहीं, इसकी भी नींद जल्दी खुल गई ये सब नज़ारे देखने के लिए। मम्मा को कंपनी दे रहा है, बेटा एक कप कॉफी पिला देना। अभी एक एक करके सब उठ रहे हैं। अभी ये देखिए पतिदेव भी उठ गए हैं कंपनी देने के लिए मुझे। अरे यहाँ देखिए सूरज चाचू भी निकल गए हैं। फिर हम लोग, ये सेकेंड डे का है, फिर हम लोग वहाँ से होटल से नज़ारे देखे, कुछ चाय नाश्ता किए, उसके बाद हम लोग सी बीच पे आ गए हैं। अभी
अब यहाँ पे हम लोग मस्ती करेंगे। सी बीच का बहुत सारा वीडियो हम आप लोग के साथ शेयर किए हैं, शॉर्ट लगभग 8-10 हम शेयर किए हैं। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा आप लोग। सी बीच पे भी लगभग हम लोग 2-3 घंटा रुके, क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग को यहीं रुकना है, तो पूरा दिन था, तो और कुछ वैसा घूमने लायक यहाँ पे था नहीं, क्योंकि पूरी हम लोग हमेशा आते रहते हैं। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से ये 60 किलोमीटर पूरी पड़ता है, तो लगभग हम लोग 2-3 महीने पे लगभग जाते रहते हैं। तो और कुछ देखने लायक वैसा था नहीं, तो आज पूरे दिन सी बीच पे मज़े हम लोग 3-4 घंटे लिए। उसके बाद होटल में जाके थोड़ा मस्ती किए। और ये रहा मेरा और एक एनिवर्सरी गिफ्ट, गोपाल जी की कृपा और आप लोग की ब्लेसिंग से। आप लोग की ब्लेसिंग और गोपाल जी की कृपा ऐसे ही मेरी फैमिली पे हमेशा बनी रहे। आप लोग भी प्रे कीजिए। बहुत ही मस्त गिफ्ट भी इस बार मस्त मिला। गोपाल जी बहुत ज़्यादा इस बार मेहरबान रहे मेरे पे। काश हर साल ऐसे एनिवर्सरी पे मेरे पे मेहरबान रहें, उनकी कृपा बनी रहे और आप लोग सब की ब्लेसिंग भी। और ये लास्ट डे का है, आज हम लोग अपना सारा सामान पैक कर लिए हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, जो कि होटल की तरफ से फ्री दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे लोग ब्रेकफास्ट बहुत वैरायटी के रखे हुए थे, जिसको जो चाहिए था लोग आराम से सब ब्रेकफास्ट किए। और हम लोग अब सब सारा सामान पैक कर दिए हैं, हम लोग होटल छोड़ने वाले हैं, निकलने वाले हैं। निकलने का मन तो नहीं कर रहा है, ये लोग मस्ती कर रहे हैं पापा बेटा दोनों, लेकिन निकलना तो पड़ेगा। अभी हम लोग निकल गए हैं। मेरा ये ब्लॉग आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। और जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।